हाई गाइज, आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग टुडे एंड आई एम गोइंग टू डू माई ओन मेकअप. मैं खुद का मेकअप करने वाली हूँ एंड आई थॉट कि मैं आपको बताऊँ कि मैं कैसे खुद का मेकअप करती हूँ एवरी डे के लिए. ये इनफॉर्मल मीटिंग है एंड आई थॉट मे बी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ हाउ आई डू माई ओन फेस एंड वॉट आई लुक फॉर एंड आई होप यू एन्जॉय इट एंड लर्न समथिंग फ्रॉम इट एज वेल. So I take the moisturizer, a little bit of it, and I really like the skin to be nicely moisturized because then, you know, even the makeup blends very well on the skin. Always upward strokes for your face. Okay, so I moisturize and don't forget to do your hands as well. Now, what I'm going to do is I'm going to prep my under eye with a special prep. There are a lot of products on the market. You can choose any you like. You have to test it first, always, for allergies. And after you are sure that this product is good for your skin, you get it. So under eye, so that it takes care of the puffiness, or if you haven't slept very well the previous night, or if you're just a little bloated, you know, it just takes care of all that. So I'm going to just tap it on a little bit. Just little tiny spots, tiny bits. Okay, so I'll just wait for 2 minutes. And first I'm going to start with the base. The base, first with the under eyes and then the whole base. Less is more. Hamesha yaad rakhna ki jitna kam makeup use karenge, utna face zyada acha lagega. Aur aisa nahi lagega ki aap pata nahi kitna makeup laga ke aaye hain. So use very little. क्योंकि आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले ही ज़्यादा लगा लिया तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. इट्स बेटर टू ऐड स्लोली देन टू ट्राइंग टू सब्ट्रैक्ट समथिंग दैट यू ऑलरेडी पुट ऑन योर फेस. सो लेट मी स्टार्ट. आई यूज़ अ नाइस कंसीलर विच इज़ मोर ऑफ अ लिक्विड एंड यू नो आई यूजली कीप दिस काइंड ऑफ अ पैलेट विद मी सो दैट आई डोंट डायरेक्टली टच स्टफ ऑन माई फेस. आई यूज़ इट इनडायरेक्टली. Also, it gives you an idea of how much makeup you're putting on your face. So now I go from the inside to the outside. So first I'll just kind of tap it on. Now notice I've put a little bit extra on the inside. So I'm going to make sure that I remove any extra makeup from and then I'm going to blend it. So what you're trying to do is basically take care of the discoloration under your. Some people have very dark circles. Luckily, I don't have like a dark pigmentation under my eye. It's just that it's an under eye. So you just use a concealer for that and make sure you blend it. And don't put too much because it's just for day, it's for every day and you don't want to look all made up, too made up. It's like putting makeup to make it a non-makeup look. I know. It's oxymoron, but that's what it is. तो आप इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले. जितना कम यूज़ करेंगे आप उस पर बिल्डअप कर सकते हैं, और पहले ही अगर आपने ज़्यादा लगा लिया तो उसे निकालना लाइक आई सेड बहुत मुश्किल हो जाता है. ऑलवेज रिमेंबर कि आपके चेहरे के दोनों साइड हमेशा सेम नहीं होते, एसिमेट्रिकल होता है, इसलिए मेकअप कहते हैं उसे. यू मेकअप फॉर जो छोटे से आपके डिफरेंसेस है उसे मेकअप करने के लिए आप मेकअप यूज़ करते हैं. तो लोगों को लगता है कि जो फिल्म लोग हैं वो सिर्फ मेकअप की वजह से बहुत अच्छे लगते हैं. स्क्रीन पे थोड़ा मेकअप लगता है क्योंकि इतने सारे लाइट्स होते हैं और यू नो इट कैन ब्लीच आउट योर स्किन द लाइट्स. ऐसे लगता है ब्लैंड हो जाता है फेस क्योंकि सब फीचर्स डिसअपियर हो जाते हैं. इसीलिए व्हेन यू आर वर्किंग इन मूवीज़ एंड ऑल या आप कैमरा पे हैं तो मेकअप लगाना पड़ता है टू एनहांस योर फीचर्स. तो ये हो गया अंडर आई. थोड़ा सा बिल्डअप करूँगी मैं फॉर माई लेफ्ट आई. ब्लेंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आप कैसे ब्लेंड करते हैं उसे, क्योंकि अगर ऐसा एक एक हिस्सा दिखाई दे अगर मेकअप का किया हुआ तो बहुत ख़राब लगेगा. तो एक ऐसे एकदम स्मूथनेस आने चाहिए मेकअप को, जो मैं ट्राई करूँगी. देखिए ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आप जब ब्लेंड करते हैं ऐसे अलग हिस्से नहीं लगने चाहिए मेकअप के. ओके, तो ये हो गया अंडर आई, हो गया मेरा. अब मैं अपना बेस करूँगी. फिर से एक
पैलेट पे थोड़ा सा दो ड्रॉप्स या दो पम्प्स कह सकते हैं आप वो, क्योंकि जितना कम यूज़ करेंगे उतना बेटर है। और पहले मैं डॉट कर दूँगी ऑल ओवर द फेस थोड़ा थोड़ा, फिर इसे ब्लेंड करूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छे तरीके से ब्लेंड करना, क्योंकि मेकअप हमेशा स्मूथ लगना चाहिए, पैची नहीं लगना चाहिए। सो यू टू मेक श्योर कि आप अच्छे तरीके से उसे ब्लेंड करें। एंड आई यूजुअली यूज सर्कुलर स्ट्रोक्स क्योंकि दैट्स गुड फॉर योर स्किन। और जब भी आप फेस को बेस लगाएं तो डोंट फॉरगेट योर नेक। तो ये हो गया, नाउ द बेस इज रेडी। आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ पाउडर टू सेटल द मेकअप इन। इट्स अ ट्रांसलूसेंट पाउडर, लगती है वाइट लेकिन इट्स नॉट वाइट। व्हेन इट गोज ऑन योर स्किन इट जस्ट पुट्स द मेकअप इन प्लेस। बस याद रखना कि आप बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पाउडर, नहीं तो फेस ड्राई लगने लगेगा जल्दी। तो जस्ट इनफ कि आपका मेकअप सेटल हो सके। फुल फेस पे लगा लिया। नेक पे ठीक है, ये हो गया हमारा पाउडर। नाउ मूविंग ऑन टू द आईब्राउज। आईब्राउज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट डिफाइंस द शेप ऑफ योर फेस। मुझे थोड़े थिकनेस आईब्राउज में अच्छे लगते हैं, तो आई एम गोइंग टू डू माय आईब्राउज। आज न छोड़ूंगी तुझे दम दम दम, तूने क्या समझा है मुझे दम। तो पहले क्या करना है आपको, जस्ट ब्रश योर आईब्राउज ताकि आपका जो नेचुरल शेप है वो दिखने लगता है। देन यू स्टार्ट पुटिंग, जितना यू के यू शुड ऑलवेज बिल्ड अप। सामने से सो आई एम बेसिकली, मैं जो नेचुरल शेप है उस पर बिल्ड कर रही हूँ। सो द आईब्रोज आर डन, अब हम शुरू करेंगे आई शेडो। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन वेरी ओपन आईज काइंड ऑफ अ लुक। तो मैंने ये शेड यूज करके अपने आईज के लिए क्रीज क्रिएट किए हैं। आई हैव क्रिएटेड द क्रीज फॉर माई आईज। ओके नेक्स्ट, नाउ आई एम गोइंग टू डू माई आई लाइनर। उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ अ ब्राउन कलर। अगेन दिस इज मोर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो आई एम गोइंग टू होल्ड माई आई लिटिल बिट, इट्स वेरी क्लोज टू माई आई लैश लाइन, नॉट आई लाइन। स्मजिंग, तो जहाँ पे आपने वो लाइनर लगाया है उसके ऊपर थोड़ा सा उसको स्मज कर दीजिए। टू मेक इट, यू हैव टू मेक इट लुक मोर नेचुरल। तो अगर आप एक लाइन ऐसा रखेंगे तो लाइन की तरह दिखेगी, लेकिन आप उसको अगर स्मज कर देते हैं तो आपकी लैश लाइन एनहेंस होती है और ऐसा लगता नहीं आपने बहुत मेकअप किया हुआ। सो जस्ट गो ओवर दैट देयर स्मज। नाउ दैट द आई लाइनर इज डन, हम लोग अभी अंडर द आई करेंगे। जितना क्लोज आप रख सके लोअर लिड को, नाउ सी द डिफरेंस। अभी गो टू द अदर आई, वहां पे भी सेम। तो ज्यादा डार्क भी नहीं, सो दैट डजंट लुक टू प्रोमिनेंट। अब जब हमारा आई शेडो हो गया, आई लाइनर हो गया, आँख के नीचे वाला लाइनर भी हो गया, आई एम गोइंग टू पुट मस्कारा। तो मस्कारा पहनने से पहले आप हमेशा अपने आई लैश को कर्ल करना, ओके, और बहुत केयरफुली करना क्योंकि यू नो दिस कैन बी डेंजरस। तो बहुत
or you have to take utmost care when you're doing this. So go close to the lash line and just curl. Curl over. Bahut zyada bhi nahi karna, moderate pressure se. Be very, very, very careful while using this. Okay. Yogya, ab I'm going to put some mascara. As soon as I find it, here it is. इसके लिए मैंने मिरर छोटा लिया है क्योंकि इट्स वेरी फाइन वर्क और आँख के इतनी पास है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. देयर यू गो. नाउ आई एम अप्लाइंग माय मस्कारा. सो मस्कारा लगाते वक्त हमेशा अपवर्ड स्ट्रोक में, फ्रॉम बेस टू अप, बेस टू अप. और केयरफुल रहना कि क्लम्पी नहीं लगे आई लैशेज एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना. अब बारी है ब्लश की, बिकॉज यू वॉन्ट टू लुक नाइस एंड रोजी. अगेन लेस इज मोर, तो थोड़ा थोड़ा. आई एम टेकिंग दीज टू शेड्स बिकॉज दीज आर लाइटर वंस. जस्ट मेक श्योर यू टच द ब्रश, स्माइल एंड देन अप्लाई ऑन योर चीक, एप्पल्स ऑफ द चीक एंड द अदर साइड. यू वॉन्ट द कलर टू बी सीन, लेकिन बहुत नेचुरल लगना चाहिए. And I think that is enough for me. That's all for the blush. Ab bari hai lipstick ki. To main use karungi ye jo mera favorite color hai. It's on the pinker side and very close to my own lip tone. To aapki jo natural lip line hai use follow karein. Dusre side, tilt your head other way. Bottom lip, very lightly, kyunki day hai and you don't want to look too overly done. Follow your lip line. There you go. आप चाहे तो सेम कलर लिप में फिल कर सकते हैं थोड़ा, ताकि ब्लेंडिंग अच्छा हो. That's done. ये बहुत ज्यादा लिपस्टिक लगाई है, so I don't want to give that feel. That's it. Just dab it. Always check your teeth for lipstick. तो हमेशा बात करके थोड़ा सा exaggerated movement of the lips and check your teeth. There should be no lipstick. My look is complete. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आप ऐसे वीडियोज और देखना चाहते हो तो प्रेस द बेल आइकॉन.